हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूं फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं दो तीन तरीके फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के, कि कैसे आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इंस्टेंटली बना सकते हैं और आप इसे डबल फ्राई करने के मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस क्रिस्पी इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो आलू लिया है, क्योंकि आज मैं इसको स्टोर कर भी करने वाली हूँ बना के। तो इस तरह के जो आजकल के आलू आ रहे हैं ना, होली के सीज़न से पहले जो आते हैं बड़े बड़े आलू, इस तरह के आलू आपको ले लेने हैं। हमें इस तरह से इनको छील लेना है। ये देखिए, पिलर की हेल्प से या फिर नाइफ से आप इसको इस तरह से अच्छे से छील लें। तो और आलूओं के बीच बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी कैविटी होती है ना, ये जो गड्ढे गड्ढे से होते हैं, इनको भी बिल्कुल आपको अच्छे से छील लेना है। मतलब एकदम क्लियर कर लेना है इन्हें छील के। तो इसी तरह से मैं अपने सारे आलूओं को छील लूँगी। आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे आलूओं को छील छील के हमें क्या करना है, एक पानी के भरे बोल में डालते रहना है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को छील के इस तरह से पानी में डाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, इनको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले लंबाई में इस तरह से 3 टुकड़े कर लें, मतलब इस तरह से, बल्कि 4 टुकड़े, अगर मोटा आलू है तो इसके 4 टुकड़े लंबाई में कर लें। और इस हिसाब से फिर देख रहे हैं हम, जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं ना, इसे लंबा लंबा कट कर सकते हैं। क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो कुछ इसमें से आलूओं में से एक्स्ट्रा पोर्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप इसको बिल्कुल मार्केट जैसा बना सकते हैं ना, तो थोड़ा सा टॉप और बॉटम से इसको थोड़ा थोड़ा कट करके आप इन्हें इक्वल साइज़ का काट लीजिए। अभी हम घर में ही बना रहे हैं तो वेस्ट क्यों करना आलू, तो इसलिए से इस तरह से मैं सारे आलूओं को लंबा लंबा कट कर ले रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, फ्रेंच फ्राइज़ की शेप अपने आप निकल निकल के आ रही है। इसके लिए हमें किसी कटर या फिर मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से मैंने सारी अपनी फ्रेंच फ्राइज़ को इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में आलूओं को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो धुंधला धुंधला सा पानी दिख रहा है ना, ब्लर सा पानी, हमें इसे 3-4 बारी अच्छे से धोना है, जिससे कि ये जो ब्लर पानी है, जो धुंधला हुआ पानी है, ये ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको 3-4 बारी अच्छे से पानी से धो लिया था। अब हम इसको रब भी कर रहे हैं ना आलूओं को, तब भी ये जो पानी है ये धुंधला धुंधला नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसको 3-4 बारी नहीं धोना चाहते हैं तो आप इन आलूओं को इस तरह से कट करके 30 मिनट के लिए पानी में भिगा दें, उसके बाद फिर धो लें तो ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनको पानी से छान लेंगे। या तो आप इसी तरह से इसको 10 मिनट के लिए छन्नी पे पड़े रहने दीजिए, या अगर आपको मेरी तरह थोड़ी सी जल्दी है ना, तो आप इस तरह से इसको किसी टॉवल पर डाल के पैट ड्राई भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा टॉवल पर डाल लेंगे और टॉवल से इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। वैसे तो आजकल का जो मौसम है, इसमें ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अब अगर आप इसको छन्नी में भी छोड़ देंगे ना, तो 10 मिनट में ये आलू बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। हमें आलूओं को इसमें बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, मतलब कोई सन ड्राई नहीं करना है, बस इसका ही जो पानी है ना ऊपर का, ये हल्का सा हमें पोंछ देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से टॉवल से पोंछ लिया है बहुत अच्छे से। तब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देख सकते हैं अब इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं नज़र आ रहा है, सारा जो पानी है वो ड्राई हो गए हैं आलू। अब हमने इसको एक ट्रे में निकाल लिया है। यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें 3 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर की हमें इस पर एक बहुत पतली सी कोटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग इस पर नहीं करनी है, बस पतली सी एक लेयर जो है वो आलूओं पे कॉर्नफ्लावर की आ जाए, इतनी ही हमें इस पर कोटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए, मैं ट्रे को हिलाते हुए आलूओं को इस तरह से कर रही हूँ, उससे क्या होगा, एक पतली सी कोटिंग सारे आलूओं पे आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है ना, वो नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारे आलूओं पर पतली सी कोटिंग आ गई है। अभी हमारे आलू जो है वो रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए। अब हम, मैंने यहाँ पर गैस पर तेल चढ़ा दिया था। इसके लिए हमें क्या करना है, पहला मेथड मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप इसको डायरेक्टली फ्राई करके अब इसे खा सकते हैं, तो पहले तेल जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम बॉइलिंग हॉट होना चाहिए। एक पीस इसमें डाल के देख लेंगे, जब ये जो हमने एक पीस डाला है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम इसको तेल में से बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होता है कि हमें तेल का टेम्परेचर भी पता चल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छन्नी पे रख के आलूओं को डालेंगे। अगर आप एक एक करके डालेंगे ना, तो छींटे पड़ने के चांसेस होते हैं, तो छींटे ना पड़े इसलिए आप छन्नी में रख के इसको डालें। और आप देख रहे हैं कि तेल हमारा कितना गर्म था, डालते ही किस तरह से एकदम बबल्स आ रहे हैं। तो तेल एकदम बॉइलिंग हॉट होना चाहिए। जब अब हम इसमें आलूओं को डालेंगे, तब हम फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसको 3 मिनट तक फ्राई करना है। शुरू में फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही हम इसे कम से कम 3 से 3.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आप इन आलूओं की जो चिप्स, ये जो फ्राइज़ बना रहे हैं ना हम, इसको आप अभी इंस्टेंटली खा सकते हैं। ये वाला मेथड मैं, फर्स्ट मेथड में ये वाला बता रही हूँ।
तो शुरू के 3 मिनट हमें इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बाद में 3 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो ये हमारे 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको 3 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई कर देंगे। इससे क्या होगा, आलू अंदर तक बहुत अच्छे से गल जाएंगे और उसके बाद एक अच्छा सा कलर भी आलूओं पे आ जाएगा। तो अगर हम शुरू में अगर हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे और लो फ्लेम पे कर देंगे तो आलूओं में तेल भर जाएगा, इसलिए शुरू के 3 मिनट हाई फ्लेम, बाद के 3 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है, मतलब कि फ्राई करना है। टोटल एक बैच को फ्राई होने में 6 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली इसको खाना है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी जो फ्राइज़ हैं वो ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इनका कलर और डार्क कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा लाइट कलर ही पसंद आता है, तो मैं यहाँ पे इन्हें लाइट रख रही हूँ। तो आपने आवाज़ सुनी कि कितनी क्रिस्पी बनी हुई है ये। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं और थोड़ा सा क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये हमारी इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आप इन्हें स्टोर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना है, हाई फ्लेम पे एकदम बॉइलिंग हॉट ऑयल में ये जो हमने कोट की हुई आलू रेडी करके रखे हैं ना, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये हम स्टोरेज वाली बना रहे हैं कि कैसे हमें स्टोर करना है, तो हमें यहाँ पे इसको पूरा फ्राई नहीं करना है, हमें इसे यहाँ पे हाफ फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम पे एकदम बॉइलिंग हॉट ऑयल में हम इसको 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तेल में जैसे ही हम आलूओं को डालेंगे ना, हमें तुरंत नहीं हिलाना है। अगर आप तुरंत हिला देंगे ना तो हमने जो कोटिंग करी है ये उतर जाएगी। तो बस यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखिए अच्छी सी जो एक लेयर हमारे आलूओं पे आ गई है। तो अब हम इसी स्टेज पे यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। अभी हमारे आलू जो है वो हाफ बॉईल हुए हैं, इसी तरह से मैं अपने बाकी भी आलूओं को हाफ बॉईल कर लूँगी, मतलब हाफ फ्राई कर लूँगी, सॉरी फ्राई करना है बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पे आप किसी स्ट्रेनर पे इसको निकाल दें जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को इसी तरह से हाफ फ्राई कर लिया है, और जब ये इस तरह से मैंने इसको ट्रे में फैला दिया था, जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं या फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब हम इसको एक जिप लॉक बैग में भर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक जिप लॉक बैग लिया है जिसमें मैं ये सारे हाफ फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राइज़ को भर लूँगी। आप इन फ्रेंच फ्राइज़ को एक जिप लॉक बैग में रख के, यहाँ पे मैं इसका जिप लॉक कर देती हूँ, और इस तरह से आप इसको फ्रीजर में रख दें। फ्रिज में नहीं रखना है, आप इसे फ्रीज़र में रख दें, और उसके बाद आपका जब मन करे तब आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। आप इन्हें कम से कम 3 से 4 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको इसको फ्रीज़र में रखना है। तब अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको बिना फ्रिज में रखे इसे बनाना है, यहाँ देखिए मैंने जो हाफ बॉईल हाफ फ्राई की हुई थी ना, इनको मैं दोबारा से इसको फ्लैश फ्राई कर रही हूँ। तो फ्लैश फ्राई करने का मतलब यह है कि आप इसको एकदम बॉइलिंग हॉट ऑयल में एक बार फिर से अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एकदम गर्म खौलते हुए तेल में डाला है, और खाली 3 मिनट में ही इन पर कितना अच्छा सा ये कलर आ गया है। आप चाहें तो इसे और क्रिस्पी कर सकते हैं, आलू जितने डार्क होंगे, मतलब जितने ज़्यादा ब्राउन हम करते हैं ना, उतने ही ये क्रिस्पी होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं कि आप इसको किस तरह से, डबल फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो पहले वाले मेथड से आप इसको कर सकते हैं जिसमें 6 मिनट लगते हैं करने में, और ये मैंने डबल फ्राई मेथड भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, आप चाहें तो इस पर रेड चिली पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये फ्रेंच फ्राइज़ की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।